ये बात क्या है कि इस टॉपिक पर हम जो है बात करने से बचना चाहते थे, हम अभी भी इनको मना कर रहे थे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिएटर के जो है अब हम शादी में नहीं जाते, बर्थडे में नहीं जाते, एनिवर्सरी में नहीं जाते। या आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा क्या हमारी उनसे लड़ाई हो गई, क्या हमारा कोई झगड़ा हो गया। आप लोग बहुत ज्यादा घमंडी हो गए जो उनके यहाँ नहीं जा रहे हो, कि व्यू भी आ रहे हैं, डॉलर भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, व्यू और कोलैबोरेशन के बीच इंसानियत को भूल गए हैं सब। तो हम पहुंच गए जी अपने दादी गांव, और क्रियांश जो है अपना यहां पर मजे में घूम रहा है। जिया मम्मी सब लोग जो है अंदर है, तो एक एक करके जो है सभी लोग से मिलाते हैं। और यहां मिली हमारी भतीजी रोली से। क्रियांश तुमसे कुछ मांग रहा है रोली? टॉफी मांग रहा है। वाह, भाई को खिला रही है, वो अपने हाथ से लेना चाह रहा है। ले लिया भाई। A few moments later. क्या कर रहा है? तो क्रियांश को यहाँ मिल गया है एक नमक का डब्बा और नमक छिड़क रहा है। अरे यहाँ कोई रेसिपी नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बनना है, छोड़ दो, ले लेके रहेगा अभी। खोल दिया ये। क्या नारियल का है क्या? उसी नमक है। अच्छा अच्छा, यहाँ आपको मिलाते हैं जी अपनी दादी से। ये हमारी दादी है, और ये जो है अपना शोर मचा रहा है इधर। उसको मोबाइल चाहिए, और पापा जब भी बैठते हैं उसको पसंद नहीं रहता है कि पापा बैठे हुए रहे, बस पापा खड़ा रहना चाहिए। इसको मिल गया अलग जगह। नमक से मन नहीं भरा है तुम्हारा? नमक खाते खाते खाना ही है इसको नमक। ये देखो इसका चलने का स्टाइल। तो कल जो है शाम 6 बजे तक हम लोग दादी घर से आ गए थे और अपना घर गए थे, और घर आते ही जो है थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद जो हम चले गए थे अपने दोस्तों सबसे मिलने के लिए, और फिर उसके बाद घर आए और आराम से जो है सो सब गए। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं सुबह के 9:45, और हम जो है अपना लैपटॉप खोल करके बैठ गए अपना काम करने के लिए। और जब भी हम अपना सुबह काम कर रहे होते हैं उस समय जिया क्रियांश को देख रही होती है, तो फिर उसके बाद जो है उसके नहाने का समय आ जाता है, फिर पापा को कोट छोड़ने का समय आता है, तब उसके बाद निकलते हैं और गेट नॉक हो रहा है, लगता है आजकल दिक्कत क्या है कि क्रियांश जो है ज्यादातर जो है नीचे टिकता नहीं है, तो दादा दादी के बाबा रहते तो टिक जाता है, दादी रहती है दादी को सेवता ही नहीं है। अच्छा, तो दादी जो है उसको परेशान कर देता है अच्छा खासा। तो हम भी ब्रश कर लेते हैं, खा लेते हैं कुछ। आ गया तू, चुप चुप बैठ, भाग के आ जाता है पापा पास। पापा को पुच्ची दे दो, पापा पुच्ची दो, पुच्ची दो पापा को। कैसे करता है डांस ये? चाचू क्या बोल रहा था बेटा? क्या बोल रहा था फिर से बोलता एक बार, क्या बोल रहा है? पुच्ची दो, पुच्ची दे। प्रसाद दिया सारा चीज जला के भगवान को रखे, भोग लगाते, भोग तो लग ही गया, खाली पानी से अर्पण करते प्रभु को, पूरा उल्टा करके प्रसाद अर्पण से पहले खा लिया। इधर मेरा चश्मा दिया हुआ बाल रूप है, क्षमा तो करेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल, और ऊपर से मेरा चश्मा जब भी देखता है वो चश्मा को निकाल के फेंक देता है। सवाल नहीं है कि क्षमा नहीं करेंगे। तो क्रियांश को जब भी गोद में लेते हैं वैसे तो हम याद रखते हैं कि चश्मा उतार के पॉकेट में रख लेना है, लेकिन जब भी भूल जाते हैं ये देखिए तो यही होता है। फिर अभी हाथ से ले लिया चश्मा, तोड़ मत देना, तू पहनेगा चश्मा। ओ भाई साहब, जिया जो है क्रियांश के लिए अनार छील रही है, और अनार छीलने के बाद जो है इसको जूस पिलाया जाएगा। और क्रियांश इधर देखिए क्या कर रहा है, उधर जाने के लिए। तो इधर क्रियांश का नहाना हो गया है, और हम लोग उम्मीद लगा के बैठे कि अब सो जाएगा, क्योंकि नहाने के बाद जो है अक्सर क्रियांश सो जाया करता है, लेकिन क्रियांश का अभी सोने का लक्षण नहीं लग रहा है, ये बस खाली बदमाशी करने के चक्कर में है। क्रियांश ये देखो, क्रियांश ये स्लाइड स्लाइड क्या ये करना है ओए। बच्चे को लेकर के जी काम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और जैसे जैसे ये बड़ा होते जा रहा है इसकी शैतानी भी थोड़ी बढ़ती जा रही है। दिन में कई बार ऐसा समय आता है कि जिस समय हमारा भी काम रहता है, और जिया को भी काम रहता है, और इनके दादा दादी को भी काम रहता है, तो ऐसे में जी एडजस्ट करना क्या कहे जी, कैसे एडजस्ट किया जा रहा है पता नहीं। उम्मीद करते हैं कि क्रियांश जल्दी जल्दी से बड़ा हो जाए, थोड़ा समझदार हो जाए, फिर उसके बाद जो है पापा आराम से काम कर सकेंगे। बीच में तो ऐसा हाल हो गया था कि हम जो है लाइब्रेरी जा करके ज्वाइन कर लिए थे कि कम से कम 3-4 घंटा वहां पर जा करके स्थिर से काम कर पाएंगे, क्योंकि होता क्या था, क्रियांश को मालूम है कि हम इस रूम में बैठते हैं, और क्रियांश जो है गेट के पास चले जाता है और नॉक करने लगता है कि उसको मालूम है कि पापा अंदर ही बैठे हैं, और मुझे भी खराब लगता है गेट को अंदर से बंद करके रखने में, और बेटा
बच्चा बाहर से पुकार रहा है, लेकिन क्या करे जी, काम काम है, अपना काम भी है, अपना बच्चा का जिंदगी भी है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। लगता है कोई कॉल आ रहा है, देखते हैं। अभी तो बढ़िया है जी कि मेरा काम जो है घर से ही हो जा रहा है। मान लीजिए कि मैं जैसे रेगुलर जॉब की तरह जैसे मैं जाता था ऑफिस, उस समय प्रियांश रहता और जिया अकेली रहती, जैसे बाहर में हम लोग रह रहे थे, तब जिया कैसे मैनेज करती, तो मुझे ये लग रहा है। और बहुत सारी लेडीज जो है मैं जानता हूँ इस परिस्थिति में होंगी कि जिनके हस्बैंड ड्यूटी पर जाते होंगे और उनको अकेले बच्चे को संभालना पड़ता होगा पूरे दिन। यहाँ पर चार लोग हैं, चार लोग मिलकर के एक बच्चे को संभाल रहे हैं, तो लग रहा है कि आदमी कम है। और भी एक आदमी हो जो प्रॉपर इसको देखे तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत लोग हैं जो अकेले कर रही हैं, तो जो भी अकेले बच्चे को संभाल रही है जी, सैल्यूट है उनको, क्योंकि मैंने देख लिया दुनिया में सबसे मुश्किल अगर कोई काम है वह है जी बच्चे को संभालना। सच में जी बहुत मुश्किल काम है ये। तो अभी अभी जिया ने मोबाइल पर देखा जी, और पता चला कि हमारा जो लास्ट का जो ब्लॉग है वह ट्रेंड चल रहा है, 47 पे ट्रेंड कर रहा है। तो अच्छा लगा जी आप लोग ऐसे। मुझे पता ही नहीं था, अभी पूजा का कॉल आया, पूजा बोली जिया तुम्हारा वीडियो ट्रेंड कर रहा है। तो हम सोचे वो मजाक करती रहती है कुछ ना कुछ ऐसे बोल करके, तो मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन फिर उसने स्क्रीनशॉट मुझे भेजा तो फिर लगा कि हाँ सच में बोल रही तो है। सही में जी काफी अच्छा लगा। कई बार ऐसा होता है पता है कि हमारा वीडियो ट्रेंड करते रहता है, हमें पता ही नहीं चलता, किसी और के जरिए जो है पता चलता है। और वैसे एक सब्सक्राइबर रहते हैं, उनका नाम राहुल है, बात है कि वो राहुल जी जो हमको मिले भी आसपास के एरिया में, तो वो वही बार बार मुझे अभी तक मुझे लगता है 5 से 6 बार उन्होंने ही बताया है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि सबसे पहले पूजा ने बताया और उसके बाद उनका भी मैसेज आया। अच्छा आ गया था। हाँ, अच्छा। कि मेरी स्टोरी, मैंने स्टोरी डाल दी, तो बोलते हैं जा इस बार तो हम नहीं बता पाए आपको। चलो कोई बात नहीं जी, तो काफी अच्छा लगता है जी, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जी एक टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। ये बात क्या है कि इस टॉपिक पर हम जो है बात करने से बचना चाहते थे, हम अभी भी इनको मना कर रहे थे कि नहीं नहीं करना, लेकिन हमें लगा कि आप लोगों से इस चीज को जो शेयर करना चाहिए। उन्होंने मुझे समझाया तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे कोर सब्सक्राइबर हैं जो वो भी मतलब इस चीज में थोड़ा सा दिखा रहे हैं इंटरेस्ट, तो मुझे लगा बिल्कुल नहीं। बात क्या है कि उनके भी मन में थोड़ा सा जिज्ञासा हो गया कि आखिर क्या बात हो रहा है इस चीज को लेकर के। तो जी बात ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिएटर के जो है अब हम शादी में नहीं जाते, बर्थडे में नहीं जाते, एनिवर्सरी में नहीं जाते, किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन हो तो हम लोग जो अब जाना बंद कर दिए हैं। और बहुत ही गिने चुने क्रिएटर है यहाँ पर अब हम लोग जो है जाते हैं, तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई ऐसा, इसको लेकर के जो है बहुत ज्यादा लोगों के मन में सवाल है। और इससे रिलेटेड जो भी सवाल था, इस सवाल से रिलेटेड जो भी कीवर्ड था, मैंने क्या किया था यूट्यूब के फिल्टर सेक्शन में डाल दिया था, ताकि इससे रिलेटेड जो भी सवाल आए वह जो है लोगों के बीच में नहीं आए और मेरे भी नजर में नहीं आए, ताकि इन नेगेटिविटी से जो है दूर रहे, क्योंकि हम बचना चाहते हैं इन सब चीजों से। लेकिन क्या हुआ जी, लेकिन हुआ क्या जी, मैंने जो है एक बार में हेल्ड फॉर रिव्यू सेक्शन जाकर के चेक किया और देखा बहुत सारे ऐसे सवाल थे, और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर है जिनको हम जानते हैं कि वो रेगुलर कमेंट करते हैं और बहुत ही कोर सब्सक्राइबर है। तो हमने सोचा कि चलिए इसके बारे में जो हम लोग बातचीत कर ही लेते हैं। तो आखिर बात क्या हो गई, क्या आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा क्या हमारी उनसे लड़ाई हो गई, क्या हमारा कोई झगड़ा हो गया, क्या हमारा कोई इशू है, कोई मतभेद है, या किसी भी तरह का कोई चीज है। कुछ लोगों को तो यह भी लगने लग गया जो कमेंट देख रहा था कि आप लोग घमंडी हो गए हो, आप लोग बहुत ज्यादा घमंडी हो गए जो उनके यहाँ नहीं जा रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि घमंड नहीं है, तो यहाँ घमंड की तो बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल तो हम बचना चाहते हैं। तो आपको कुछ एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ जी, जिससे कि बात जो है सब कुछ क्लियर हो पाएगा जी। बहुत सारे क्रिएटर से यहाँ पर मिले जब हम यूट्यूब पर आए, जब हमारा वीडियो सब अच्छा खासा वायरल जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और वो लोग अपने घर भी बुलाते थे, कोई फंक्शन हो सब कुछ बुलाया करते थे, और हम लोग भी खुशी खुशी जाते थे। अच्छा लगता था कि एक क्रिएटर के नाते वहाँ पर जा रही है, मुलाकात कर रहे हैं, नए दोस्त बन रहे हैं, और साथ में ये तो हुआ एक पर्सनल लेवल पर हैप्पीनेस, और एक प्रोफेशनल लेवल पर भी जो है खुशी मिलती थी कि व्यू भी आ रहे हैं, डॉलर भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो एक क्रिएटर को क्या चाहिए, व्यू डॉलर और एक अच्छी दोस्ती, यही सब चाहिए। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने जो है इन सब चीजों से किनारा कर लिया। क्यों किनारा किया जी, कारण है, यह सब कुछ तो अच्छा लगता है कि आपके व्यू आ रहे हैं, डॉलर बन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो है अपना मेंटल पीस वो हम खो देते हैं जी। जी हाँ, ये मैंने देखा कि मेंटल पीस में जो है बहुत ही कम्प्रोमाइज होने लग गया था वहाँ पर। यहाँ पर जो क्रिएटर सबका जो देखा मैंने, जैसे देखिए जी रियल लाइफ होता है, रियल लाइफ में जितने भी हमारे दोस्त बने हैं, चाहे वो हाई स्कूल के क्लासमेट हो, चाहे कॉलेज मेट हो, चाहे अपने वर्क मेट हो, जो भी अपने कलीग सब रहते हैं, उन सब से जो दोस्ती रहती थी वह दोस्ती ज्यादा रियल है जो भी हमने सोशल मीडिया से फ्रेंड बनाए हैं उसके मुकाबले। तो ये हमने देखा जी, हो सकता है सबका अलग अलग एक्सपीरियंस हो, हमारा तो यही अभी तक एक्सपीरियंस रहा। तो कुछ चंद लोग, बहुत चंद लोग हैं जिनसे अभी तक हमारे एकदम रियल बहुत ही अच्छे रिलेशन है, और सच में बहुत अच्छे लोग भी हैं वो लोग।
चाहे मेरा बुरा टाइम चल रहा हो, चाहे मेरा अच्छा टाइम रहा, हमेशा साथ रहे, हमेशा साथ दिए हैं। अभी तो मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा था कुछ दिनों से, लेकिन भगवान की दया से सब ठीक हो गया। धीरे धीरे ठीक रहेगा। कहते हैं ना, जो बुरा नहीं करते हैं ना, उसके साथ बुरा नहीं होता है। वो कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम आते हैं, अच्छे दिन आएंगे तो बुरे दिन तो आएंगे। सही बात है जी। तो दोनों समय के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। अभी तो हमारी बहुत छोटी सी, बहुत कम उम्र है हम लोगों की, अभी बहुत लंबे टाइम तक जाना है। बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन बस यही कहेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो जी, यहाँ पर बात कर रहे थे रियल लाइफ फ्रेंड की और वर्चुअल लाइफ फ्रेंड की। हाँ जी, हाँ, वर्चुअल लाइफ यही हो गए जी। जो भी फ्रेंड हमारे सोशल मीडिया से बने, जो भी क्रिएटर सब बने, तो जो भी क्रिएटर फ्रेंड सब थे, तो यहाँ हमने देखा क्या जी कि व्यू और डॉलर के बीच में और एक कोलैबोरेशन के तौर पर ज्यादातर फ्रेंडशिप इसी चलते हो रही है आपस में, जितने भी क्रिएटर की हो रही है। मैंने देखा ये सब चीज, या तो उस क्रिएटर से हमें व्यू अच्छे मिल जाएंगे, और बहुत क्रिएटर के पास जो है अच्छे कॉन्टेक्ट होते हैं कोलैबोरेशन के, या तो कोलैबोरेशन मिल जाएंगे। तो यही दो चीज होता है। लेकिन हमने क्या देखा कि व्यू और कोलैबोरेशन के बीच में जो है इंसानियत को भूल गए हैं सब, कि एक इंसानियत नाम की भी चीज होती है, जहां पर एक वाजिब बात तो बोलना दूर की, यहां वाजिब चीज यहां गलत हो रहा है, हम गलत को गलत बोले, वो तो छोड़िए जी दूर। गलत चीजों में साथ भी दिया जा रहा है, क्योंकि हमें इस चीज को करने से फायदा होगा, उससे हमारा रिलेशन बनेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे हमें दो चीज मिल जाएंगे, या तो व्यू मिल जाएंगे या फिर कोलैबोरेशन हमें मिल जाएंगे। इन सब चीजों से जी हम दूर हटना चाह रहे थे। इतनी ज्यादा गंदगी, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, जिस कंपनी में काम करते थे, वहां पर जो हमने पॉलिटिक्स देखा था, वो सब सोचा कि पॉलिटिक्स से दूर हटके अपना एक काम होगा, इसलिए जो इस फील्ड में आए कि यहाँ पर हमें ये सब चीज नहीं रहेगा, अपना सब कुछ रहेगा। और देखा कि जब यहाँ भी पॉलिटिक्स चल रहा है, यहाँ भी वही सब चीज चल रही है, तो लगा कि जी गड़बड़ है ये सब चीज, थोड़ा सा जो है जिंदगी में चेंज लाने की जरूरत है। तो हमने अपनी जिंदगी में चेंज लाया जी, और उम्मीद करते हैं जी आज हमने अपना सारा स्टैंड क्लियर कर दिया है आप लोगों के सामने। और हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई भी लड़ाई नहीं है, किसी के लिए भी मन में, बिल्कुल किसी के लिए भी मन में कोई भी हीन भावना नहीं है। बस हम इन सब तरह के सिचुएशन से दूर रहना चाहते हैं, चाहते हैं जिंदगी ही कमाए ना, खुशी से रहें अपनी फैमिली के साथ। हम बस यही चाहते हैं, 2 रुपया कमाए बस, और 2 रुपया में 1 रुपया खर्च होगा, 1 रुपया हम सेव करके रखेंगे, और हम अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। बिल्कुल, ज्यादा कोलैबोरेशन नहीं चाहिए, कम ही लोग रहे, क्वालिटी लोग रहे, बस यही चाहिए। दिमाग की शांति चाहिए, अपने माँ बाप खुश रहे, अपना जो फैमिली है, अपने जो कुछ अच्छे दोस्त है, वह सब खुश रहे, बस यही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो अब ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि आज बहुत देर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। Sorry.